एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्यों वो आपको पता चल ही जाएगा। और अभी फिलहाल मैं जस्ट पार्लर से आई हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गए थे थ्रेडिंग ये सब जो गर्ल्स का होता है, सेल्फ पैम्परिंग की जरूरत थी, तो वो सेल्फ पैम्परिंग लेकर आई हूँ। और अभी मुझे कहीं और जाना है, एक्चुअली आज बहुत सारे काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा किसी के घर से थोड़े प्रोडक्ट्स उठाने हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो लेके, देन मुझे आज कहीं पार्टी में जाना है, उनके लिए गिफ्ट लेना है, वो सब लेके फिर तैयार होंगे, फिर पार्टी में जाएंगे, तो खूब मस्ती होने वाली है। तो मैं फटाफट निकलती हूँ। तो यार जैसे कि मैंने दिन में बताया था, आज बहुत सारे काम है और शाम को पार्टी में जाना था। दिन में मैंने कुछ खास शूट किया नहीं, जो पार्टी में जाना था उसके लिए मैं हेयर डू कराने सैलून आई थी और हेयर डू हो गया, मेकअप घर जाके करना था, बट बारिश इतनी आ गई है कि आधे पौना घंटा से ज़्यादा ही हो गया कि हम यहीं पे स्टक है। ये मेरे साथ आई थी, इसको मज़ा आता है ये हेयर डू देखने में। अभी पता नहीं क्या लग रहा है इसमें, कुछ नहीं लग रहा, अभी रेडी होकर कंप्लीट दिखाऊंगी। बाकी बारिश उठने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। 4 बजे की आई हूँ, 5:30 से ज़्यादा टाइम हो गया यहीं पे फंसे हुए हैं। और ये मुझे कह रही है कि दीदी मैं लेके चलती हूँ आपको, मैंने कहा बारिश तो आ रही है कैसे रखी, कह रही मैं आपके सिर पर हाथ रख दूँगी। कैसे रखेगी हाथ, खुद के हाथ में दर्द है, मेरे सिर पर हाथ रख के लेके जाएगी है, देखो कि और हाथ में दर्द हो गया फिर क्या करेगी, पट्टियाँ ही कराती रही है। बारिश देखो कितनी हो रही है यार, ये देखो यहाँ से कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, सारी बारिश आज ही होनी है। और चाटे में अंदर पतीले है ना, कढ़ाइयाँ खाती तो थी वो, कढ़ाइयों में मैगियाँ अभी हो रही है। फाइनली मैं रेडी हो गई और मुझे रेडी किया भाभी ने, मतलब मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, मेकअप से ना मुझे जल्दी से सेटिस्फेक्शन होती नहीं थी, पर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रेडी होके। थैंक यू भाभी, मतलब मेरे मेकअप आर्टिस्ट बन गए अभी आप तो। और टाइम हो रहा है 6:45 और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और जिस फ्रेंड के जाना है यार अभी पता नहीं है कि वो रिवील करना है नहीं है, फिलहाल मैं नहीं बोलती हूँ। अगर वो बोलेंगे कि रिवील कर दो किस लिए है फंक्शन तो कर दूंगी, नहीं बोला तो फिर बाद में देखना वो तो। फाइनली अब मैं घर से निकल चुकी हूँ, मम्मी और धीरज मुझे छोड़ने जा रहे हैं। मम्मी को मैंने बोला था साथ चलने के लिए, पर ना आज बारिश हो गई तो मम्मी कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा भी, जहाँ भी जा रहे हो मेरे को पापा और मम्मी और धीरज छोड़ के आ जाएंगे। अब मेरा देखते हैं आगे कि मैं वहाँ रुकूंगी या घर आऊंगी, वो देख लेंगे रात को। और मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली है वहाँ पे, तो हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज। और मेकअप थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, बट वो वहाँ जाते आते क्योंकि नाइट का फंक्शन है तो थोड़ा ठीक लगेगा। और ट्रैफिक एज यूजुअल अम्बाला का ट्रैफिक तो ऐसा है ही, निकलते निकलते आधा पौने घंटा लगता है, वैसे फेस्टिव सीजन है तो ट्रैफिक तो अपनी पीक पर होता है इन दिनों में। आज मैं मार्केट गई कुछ सामान लेने के लिए, इतना रश था कि रश देख के मैं लिटरली मैंने मुझे नहीं चाहिए और मैं घर आ गई, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और अभी फटाफट पहुंचते हैं और देखते हैं आगे क्या करेंगे। मैंने थोड़े से आगे होके बैठी हूँ, मैंने कर्ल्स कराए हैं हेयर्स पे ताकि वो खराब ना हो, तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं आगे हुई हूँ, मैं इसीलिए आगे होके बैठी हुई हूँ। मतलब शादी में जाएंगे से आपको ये पता लग गया होगा कि मैं किसी की शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं किसी की एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ। और दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका नाम रिवील करूँ अभी, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना, सामने वाला अभी नहीं बताना चाहता, रिवील नहीं करना चाहता पब्लिकली कि दैट पर्सन इज इन द रिलेशनशिप, तो इसीलिए मैंने अभी नहीं बता रही हूँ। बट हाँ, वंस आई विल टेक द परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन देन आई विल रिवील, एंड आई एम श्योर कि सब जो जानने वाले मेरे पर्सनल है उनको बहुत खुशी होगी जानने के बाद। शिवांशी अपने टाइसन को लेकर आए और ये राघव, इसका नाम क्या राघव है, ये राघव नवाब को लेकर आए। ओ एक्टिवा पे घूमने जाएंगे नवाब जी, हाँ भाई प्यारे है यार, दोनों प्यारे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो तुम इन्हें सुबह सुबह है? अच्छा यार मेरे को भी दियो एक अगली बार पक्का, ठीक है? ये इनका करता धरता देगा ना, पक्की बात है, प्रॉमिस, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया, अब देना पड़ेगा, ठीक है डन। कब तक देगा? आने वाले 6 महीनों में? हाँ 3 महीनों में? मैं वीडियो क्या बंद करूँ, बोल जल्दी बोल कब देगा, उधर देख के बात। हाँ भाई इधर देख, मैं यही डाल दूंगा, तूने कल भी देखा ना मैंने डाल दिया था, वो आपकी डालता हूँ, चल बोल ना क्या बोलूं? देगा ना पक्का, ऑन कैमरा रिकॉर्ड होगी तेरी बात, अब
हाँ तो मना तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है डन, नहीं पता पर लेंगे हम भी। ये देखिए तो प्यारा है वो, आंखें आंखों की देख के। हाँ बहुत प्यारा है, पकड़ तो लिया पर वो बेचैन हो गया। वो देखो ये कह रहा है मेरे भाई को छोड़ दो। वो देखो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं वहाँ पे फंक्शन में गई तो थी बट मैं वहाँ पे कुछ खास शूट कर नहीं पाई क्योंकि घर का ही फंक्शन था मेरे लिए वो। तो वहाँ पे क्या ही शूट करती, एक्चुअली मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड की एंगेजमेंट थी और मेरी स्माइल देख के बहुत से लोगों को पता चल जाएगा मेरी वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड कौन है, और बहुत ही क्लोज फ्रेंड बोला था वो कौन हो सकती है। बाकी उसकी एंगेजमेंट थी तो मेरे तो घर का फंक्शन था इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे शूट कर नहीं पाई। कुछ भी खास शूट नहीं हुआ क्योंकि इधर उधर ऐसे ही टाइम निकल गया, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद आके सुबह रात में उधर ही रुकी थी, सुबह आके फिर घर पे क्या किया, घर पे तो आके मैं सो गई, स्कूल भी नहीं गई, छुट्टी ली थी, बहुत पूरा दिन आराम किया आज तो। और अभी भी ऐसा हो रहा है नींद आ रही है, बट अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 o'clock, एग्जैक्ट 4 o'clock हो रहे हैं और अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है अम्बाला सिटी। एक्चुअली मुझे कुछ दिन से स्किन एलर्जी प्रॉब्लम हो रही है तो फटाफट डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आज फाइनली मैं अम्बाला सिटी में एक और डॉक्टर है उनके पास जाने लगी हूँ। फटाफट निकलते हैं। अपनी साइकिल का लॉक मेरी एक्टिवा के साथ लगाया हुआ था, क्यों भाई, ताकि कोई चोरी ना कर ले। ऐसा थोड़ी कोई चोरी कर लेगा, कमाल करता है यार। यार अभी जस्ट मैं डॉक्टर के पास से होकर घर आई हूँ, टाइम हो रहा है 7 o'clock, मतलब ये देख लो 4 बजे की गई हुई, 7 बजे मैं घर आ रही हूँ, 3 घंटे मुझे वहीं लग गए और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ अब तो। एक तो कल वैसी कल की वैसे इतनी थकान हो रही थी, मैंने सोचा था आते हुए ना हेड वॉश लेने जाऊँगी क्योंकि कर्ल्स कर्ल्स कराए थे ना तो वो बालों में स्प्रे की वजह से ना अच्छे लग रहे थे, बट अब लेट ही होगी, जाने का मन भी नहीं है, अभी तबीयत भी ठीक नहीं कर रही, मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब हेल्थ मेरी अलाउ नहीं कर रही कि अब जाऊँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, दवाई खाई है, दवाई खाने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपको नींद आएगी थोड़ी, तो थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, उठते हैं फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, फिलहाल तो मैं सो रही हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 9 o'clock और मैं जस्ट अभी सो के उठी, उठना नहीं था, ये भाई साहब ने आके मुझे उठा दिया, मैं तो मस्त बिन बैग पे आराम से लेटी हुई, सुबह से आया हूँ तब से सो ही जा रहे हो। पता नहीं क्या मैंने बोला ना, मुझे फीवर टाइप फील हो रहा था और अब जब से मेडिसिन लेकर आई ना तब से मेरे को ये रिलीफ हो गया है कि चाहे अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेडिसिन आ गई ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और पहले मेरे को घबराहट हो जाती थी कि मुझे क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। और ये बेचारा 3-4 बार आ गया, जब भी आता है तब मैं सो रही होती हूँ। बोलो क्यों आ रहे थे अब आप, बोलो बोलो। पार्क जाना था, अब तो लेट हो गया, 9 बज गया, थोड़ी जाएंगे तो अभी क्यों आयो, उठा लूंगा आपको अभी क्यों आयो, 6 बजे 6 बजे मैं घर भी नहीं थी, कितना झूठ बोलता है। डॉक्टर के पास थी मैं 4 से लेकर 7 बजे तक, 7 बजे घर आके 7:30 सोई हूँ मैं, 6:30 ही थे 7:30 बजे 7 बजे तो मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ, शिवम के घर से मैं 6:30 निकल गया तो यहाँ तो बाद में आया मैं, तो आप उठा 7 बजे तो मैं एग्जैक्ट आई थी घर, आके मैंने ब्लॉग भी शूट करा, यहाँ बैठा हुआ था, झूठ हूँ कैमरा पे झूठ बोल रहा है कि मैं बैठा हुआ था। 7 बजे मैं आई थी तभी था भी नहीं, अब आया ये, मैं सो रही थी, शिवम से आरफ गया था वो, मुझे क्या पता तू कहाँ भी गया, मैं 7 बजे डॉक्टर के पास से आई थी तभी ये घर पे नहीं था। मम्मी कह रही आ गया चुप, नहीं पर सच यही है कि मैं जब आई तभी यहाँ नहीं था, मेरी साइड देखो आ गया था मैं, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था धीरे धीरे, मुझे इससे मेरा सिर दबा रहा है और ये ना अपने बदले लेने के लिए जरा से इसको कह दूं ना कि मेरे को कहीं दर्द हो रहा है कुछ भी, साथ ही कहेगा मैं दबा दूं, और अब देखो ये इससे मार रहा है, हालांकि मेरे को रिलीफ ही मिल रहा है इससे तो, पर ये एक जोर से मार रहा है, चू चू बजा रहा है साथ में, वैसे एक पड़ गया ना पता लगे लगता है ये, मैंने धीरे मार रही, मेरे सिर में दर्द है, वैसे बुखार हो रहा है मुझे ना, दर्द है बहुत खराब है ये बहुत ज्यादा, छोटा बच्चा तू ये बजा रहा है, छोटा का कह दो मेरे ले लिया था मुझे मारने, कल कोई आने वाला है, अभी बताइए मत कौन आने वाला है, तेरे को पता लग गया कौन आने वाला है, हाँ, कौन पता है, किन्हें बताया, मुझे पता था ये चुपचाप जा, कल कोई आने वाला है हमारे घर, देखते हैं कल आता है परसों आता है, हमारी फैमिली में से है, हमारी तू हमारी फैमिली में से है और क्या, कोई हमारी फैमिली में से नहीं है, हमारे पड़ोस का बच्चा ही वो चक्के आ जाता है हमारे घर, कमेंट करो कि हमारे घर क्यों आता है, अपने घर भागता है फिर ये, ताकि हमारे घर आना बंद करे, जा अपने घर जाता, क्या बोल रहा है, क्यों मेरा घर, एक तो चू चू कर ले या बोलने एक ही आवाज आएगी, बोलता मेरा घर, क्यों जायदाद की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पेपर्स में तो मेरा और अमन का नाम ही होगा, कहाँ से होगा, तू अपने जायदाद में हमारा नाम भी लिखवा फिर तो तेरा भी होगा, लिखवा दूंगा, कल मैंने सुना जब तू मुझे छोड़ के आया था रास्ते में तू उल्टियां मार रहा था, मम्मी बता रहे थे, मम्मी कह रहे जैसी गाड़ी से उतर कह रहा मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को गाड़ी में जाना ना अच्छा नहीं लगता आंटी, मेरे को उत्ती आ रही है, वोमिटिंग को कह रहा है मेरे को उत्ती आ रही है, उल्टी बोलते हैं, उल्टी कैसे आती है वोमिट तुझे, आती नहीं मुझे, बोल के दिखाएगा, उल्टी आ रही है, उत्ती आ रही है आंटी, मेरे को उत्ती आ रही है, कह रहा नहीं आती, वो तो कल लाइट की वजह से थोड़ी लाइट की वजह से उल्टी आ गई, शाबाश,
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और आई एम डन विद माय डिनर और अभी राइट नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद माय एडिटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, बहुत 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 सारे लाइक्स किया करो ताकि एफर्ट्स का थोड़ा सा फल मिले, लगे कि हाँ अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको नहीं भी अच्छे लग रहे, कुछ भी चेंजेस चाहते हो, जो भी है यू वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल की रीच पहुंचाइए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारे वीडियो के साथ जुड़ सके। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।